तो आज मैं हूँ वापस बिग बॉस के सेट पे। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा एक कारण है एक YouTube का एपिसोड बनाने के लिए। तो दिस इज अ स्पेशल एपिसोड फॉर ऑल द बिग बॉस फैंस। आई नो मैं थोड़ा सा लैग करता हूँ, बट इट्स ओके, है ना। बट आज मैं यहाँ पे हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी नॉस्टैल्जिक। बहुत मजा आ रहा है। वापस उसी घर जाऊंगा। बाप रे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जब मैं बिग बॉस में था तब भी मैं भूखा था, आज मैं बिग बॉस में नहीं हूं लेकिन सेट पे आऊं तब भी मैं भूखा हूं। कुछ भी नहीं है। ये बिग बॉस की कुंडली में है क्या ये सब? बिस्किट दे दो यार, कुछ तो दे दो मुझे। 2 hours later सर, क्या कुछ भिजवाया है बिग बॉस ने? ओह माय गॉड, चिकन सैंडविच, थैंक यू बिग बॉस, आई लव यू। सो शैल में आ गया। ओह माय गॉड, आई टेल यू, क्या है ना ये फायदा होता है जब आप बिग बॉस के गेस्ट होते हो, कंटेस्टेंट नहीं। बस आई एम जस्ट गेटिंग रेडी डैड, ये सब मत शूट करो, मैं ही एडिट करवा दूंगा। ये वीडियो नहीं रुक रहा। इतने दिनों बाद हम यूट्यूब पे जा रहे हैं। हाँ तो मतलब क्या है? नहीं नहीं अच्छी बात है, मैं आई एम वेरी हैप्पी कि हम यूट्यूब पे जा रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत दिनों बाद मैं कुछ यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ ना, मैं वेरी वेरी हैप्पी। यार मेरे बैग में स्पीकर है, वो निकाल लो। मुझे नर्वसनेस हो रही है कि मैं बिग बॉस जा रहा हूँ जबकि मैं कंटेस्टेंट भी नहीं हूँ। खाना इज कॉन्स्टेंट, वो भी चिकन, वो भी बिग बॉस जाने से पहले। जिंदगी हो तो ऐसी हो। बाबू समझो इशारे, क्या आगे हॉर्न पुकारे, पम 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 हॉर्न पुकारे, पम पम पम। चंपी मालिश, तेल मालिश, चंपी। अभिषेक मेरे भाई, मैं आ गया, लेट्स गो।